हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं क्योंकि एनटीए ने अब हमें शेड्यूल दे दिया है 50% ऑल इंडिया कोटा का। तो अब वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन सबको अप्लाई किस तरीके से करना है, वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू उनको अप्लाई करना है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को जानकारी लेनी है कि क्या आप लोग एलिजिबल हैं, क्या आपके मार्क्स उतने हैं कि आपको कॉलेज मिल सकता है 50% ऑल इंडिया कोटे से, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। आप उस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग और सीट्स को देखकर कि क्या आपके चांसेस है वहां पर सीट पाने के, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो प्रोसेस क्या रहने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए है ये वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि 50% ऑल इंडिया कोटे के अंदर कौन कौन सी कितनी सीट्स आती हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सबका 15% जो सीट्स हैं वो यहां इसी कोटे से जो है वो भरी जाती हैं। यानी कि पूरे के पूरे इंडिया के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं उन 15% सीट्स के लिए, है ना। उसके बाद में सेकंड आ जाती है कि यही जो कोटा है इसी कोटे से भरे जाते हैं आपके डिम्ड कॉलेजेस जो आती हैं उनके अंदर भी सीट्स। तो जैसे BHU है या फिर AMU है, उनकी 100% सीट्स जो होती है वो इसी के थ्रू भरी जाती है, ठीक है। थर्ड जो है वो आती है आपकी प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस। कुछ ऐसी कॉलेजेस होती हैं जो क्या करती है, अपनी सारी की सारी 100% सीट्स को भी क्या कर देती है, यहीं पे आपको सारी की सारी सीट्स को अवेलेबल करवा देती है ताकि आपकी डायरेक्टली पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये सीट्स जो है वो फिल की जा सके। और लास्ट जो है DU जो है वो भी इसी कोटे से जो है भरी जाती है। यानी दिल्ली की जितनी भी हम बोल सकते हैं कि जितनी भी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, वहां पे भी 100% सीट्स जो है वो भी यहीं से इसी कोटे से भरी जाती है। अब देखो, ध्यान देने वाली चीज सिर्फ यहां पे ये है कि जिसके पास में दिल्ली का डोमिसाइल है वही DU के लिए क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली के अंदर भी जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, उनकी 15% सीट्स भी जो है वो इस क्राइटेरिया में आ जाती है। नाउ दिस इज ऑन यू कि आप कौन से क्राइटेरिया के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको उन्हीं चारों में से किसी एक के ऊपर टिक करना होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। आपको ये ध्यान में देना है, क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले चीज तो ये देख लेते हैं कि कौन एलिजिबल है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि इनके लिए मिनिमम परसेंटाइल चाहिए जिनको भी अप्लाई करना है 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए। लेकिन हम लोगों ने भी देखा है कि कुछ हमने कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो जा रहे हैं, अगर कैटेगरी वाइज देखें तो जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर 550 टू 560 तक अप्रोक्स हम मान रहे हैं कि जिनको सीट्स मिल सकती हैं। ओबीसी के अंदर 540 टू 550 तक जो है वो क्या है, हमें लग रहा है कि चांसेस है जिनको सीट्स मिल सकती है। SC ST के अंदर 450 प्लस चांसेस हैं जिनके मार्क्स हैं, तो उनको सीट मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं आप ये जानते हैं, और नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की सीट्स हैं कम, तो उसी बेसिस पे क्या होता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी रैंकिंग तो ज्यादा होती है और उसके बावजूद भी हमें कॉलेजेस नहीं मिलती है। तो उसका जो मेन जो रीजन है वो मेडिकल कॉलेज की सीट्स ही है, जो आपको पता है कि अब ऑल ओवर इंडिया जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी है, 35,000 सीट्स हैं। लेकिन उसका भी कुछ परसेंट जो है वही क्या है, यहां पर अब उसकी फिलिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो वो जो हमारा शेड्यूल आ गया, उस शेड्यूल को डिस्कस करने से पहले हम उस के लिए कैसे हम लोग अपने अप्लाई करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उस प्रोसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पास में जितने भी चीजें आपको काम में आने वाली है एप्लीकेशन फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उन सबकी लिस्ट आप लोग देख लो और उन सबको लेकर एक जगह पर आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, देखो सबसे पहले आपके पास में आपका नीट एडमिट कार्ड उसके अंदर रहना चाहिए, ठीक है। नीट एडमिट कार्ड के साथ में आपका नीट रैंक लेटर, जो भी आपकी रैंकिंग आई है उसका जो लेटर है वो भी आप यहां पे रखेंगे। अपने पास में क्लास 10th और 12th इसके सर्टिफिकेट और उसके मार्कशीट, ये भी आपको अपने पास में उसमें रखनी है। आईडी प्रूफ जो है, कोई भी आईडी प्रूफ जो है आपके पास में आपका, उसको भी आप अपने पास में रखिए। 8 पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी आपने लगाई थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वैसी 8 पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो भी आपको अपने पास में रखनी है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो आप ऑनलाइन जनरेट करके उसको भी आप अपने पास में रखेंगे।
डोमिसाइल प्रूफ, अगर किसी भी स्टेट वाइज अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको आपका डोमिसाइल प्रूफ जो है उसको भी अपने पास में रखना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए क्या कर रहे हैं, एप्लीकेट कर रहे हैं, अगर हैं आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो वहां पे आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है ना वो तो क्या कर रही है कि कैटेगरी वाइज सीट्स जो है उनको फिल करेगी, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है वो ऐसा नहीं करती है, वो जो है वो सारी की सारी सीट्स को फीस के वाइज जो है वो अपना फिल करती है, तो वो ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। बट ये सारे के सारे वो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की जो आपको चाहिए, तो आप इसको फाइल करके रखेंगे, जो टिल आपको अलॉटमेंट होगा मेडिकल कॉलेज तब तक आपको रिक्वायरमेंट इन सब चीजों की रह सकती है, ठीक है। तो आप इन सब का क्या करेंगे, एक फाइल या फोल्डर बना लेंगे अपने पास में, क्लियर आप लोगों को। अब आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये देखो आपको पता है ये चीज कि 15% जो सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटे की ये सभी ऑनलाइन भरी जाएंगी, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कैसे इसको फिल करेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज आपको जाना क्या है, www.mcc.nic.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। जाने के बाद में आप क्या करेंगे, जैसे आप इस साइट को ओपन करेंगे वहां पे आपको ब्लॉक नजर आएंगे, ठीक है ना। एक तो पीजी जो पीजी की काउंसलिंग है उसके लिए, उसी के साइड में आपको लिखा होगा यूजी के लिए, यूजी मेडिकल काउंसलिंग के लिए जो है उसके लिए भी वहां ब्लॉक बना होगा, आपको उस पे जाना है ना। तो आप यूजी मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग हो रही है उसके लिए आप उस पर क्लिक करेंगे। वहां पर आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन ये लेफ्ट साइड के अंदर दिया होगा उसके, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर ओपन होगा, वहां न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। वहां पर जितनी भी रिक्वायरमेंट जो भी डिटेल आपको देनी है वो सारी की सारी डिटेल देकर आप उसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप अपनी जितनी भी डिटेल्स वहां देकर सबमिट करते हैं आपको एक रोल नंबर और एक पासवर्ड जो है वो मिलेगा, ठीक है। यहां तक का ये प्रोसेस आपको करना है क्योंकि आपने यहां पे एक नया रोल नंबर और पासवर्ड अपना लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, वापस से आपको जाना है वेब पोर्टल पर, वहां पे वापस आप पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। अब वहां पे कैंडिडेट लॉगिन करने वाली एक हम ये बोलते हैं कि वहां पे होगा ऑप्शन, वहां पे आप कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर जाएंगे और वहां जाने के बाद में आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड जो है उसको फिल करेंगे। जैसे ही आप अपना रोल नंबर एंड पासवर्ड वहां पे सबमिट करेंगे वहां पे कुछ डिटेल्स आपको एंटर करने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे आपको एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो भी नेम है वो नेम आपको एंटर करना पड़ेगा, आपके जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको एंटर करने पड़ेंगे, इसके साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, आपकी मदर नेम है वो भी आपको यहां लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी जो आपको वहां पे फिल करके आपको एंटर करनी है, और उसके बाद में उन्हीं जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी उसका वेरिफिकेशन मांगेंगे, वो आपको वेरीफाई करना है। ये जैसे ही वेरिफिकेशन होगा नाउ आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। इसको जैसे सबमिट करेंगे आप उसके बाद साथ में ही आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, और आपके रजिस्ट्रेशन कंफर्म होते ही आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास में रख सकते हो। तो ये वो वेबसाइट पर काउंसलिंग करने का प्रोसेस है जो आपको पूरा करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में आपसे पूछेगा, ठीक है ना, यहां पे आपको फीस के लिए बोला जाएगा। ये फीस जो है ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपको वहां पे भरनी होगी, और ये फीस जो है ये भी ऑनलाइन ही पे होगी। इसके लिए आप चाहो तो अपना डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, इसके लिए आप चाहो तो अपना क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी फीस बताई गई है वो फीस को आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको दो तरह की फीस जो है ना वहां पे करनी होगी, एक तो रिफंडेबल है, ठीक है, और दूसरी नॉन रिफंडेबल है। अब देखो नॉन रिफंडेबल फीस जो आती है उसके अंदर आ जाती है जो आपकी 15% आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो बताती है आपकी फीस, जिसमें आपकी आ जाती है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फीस है 1000 रुपीज, और एससी एसटी ओबीसी के लिए इन सब के लिए जो है वो फीस है 500 रुपीज। ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये हो गया कि अगर आपको सीट वहां पे नहीं मिलती है, आप अप्लाई कर रहे हो आपको सीट नहीं मिलती है, तो ये आपको वापस नहीं दी जाएगी फीस, ठीक है। तो वैसे ही बाकी की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो ये फीस बताती है 5000, ये भी आपको वापस से नहीं मिलेगी। बट यहां पे रिफंडेबल फीस भी है, है ना, ये फीस भी आपको ली जाएगी। जैसे कि 10000 है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी एसटी एसटी एससी ओबीसी बाकी कैटेगरीज के लिए है 5000, जबकि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो 2,00,000 रुपए ले रही हैं सभी कैटेगरीज के लिए। ये ध्यान रखना, डीम्ड यूनिवर्सिटी यहां पर भी रिफंडेबल में ले रही है 5000, नॉन रिफंडेबल में ले रही है 5000, जबकि रिफंडेबल में ले रही है 2,00,000। तो ये वो फीस है जो आपको ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही क्या करनी है, पे करनी है। क्लियर हो गया आप लोगों को यहां तक सारी चीज। तो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने क्या किया, पेमेंट किया,
और पेमेंट होने के जस्ट बाद में क्या होगा, आपको अब एक ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से कॉलेजेस चूज करना चाहते हैं। देखो यहां पे कॉलेजेस बहुत ही शार्पली आपको फिल करने होंगे आपकी प्रायोरिटी वाइज। पहली बात आपको देखना होगा कि क्या आपको सीट मिलने के चांस हैं कि नहीं है, आपके स्कोर क्या हैं, आपने स्कोर किया है किस तरह का, मतलब कि आपके वहां पे कितनी सीट्स जो हैं वो है अवेलेबल हो रही है। तो आप अपनी रैंक देखते हुए आप उसको चॉइस को आप फिल करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप उसको फिल करके सेव कर देंगे, अभी क्या हो गया आपका ये डाटा जो है वो प्रोवाइड हो गया है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि यहां पर उसके जस्ट बाद में कुछ ही दिन के अंदर अगर आपको सीट मिलती है तो इस कंडीशन में आपको सीट के लिए कि आपको अलॉटेड हो रही है तो ये आपको SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है। बट उसके साथ में आपको एक डेट दी जाएगी पर्टिकुलरली कि आपको वो सीट मिल गई है, अलॉट हो गई है, जो भी कॉलेज आपने चूज किया आपकी प्रायोरिटी वाइज या वो आपको कॉलेज में सीट मिल रही है तो वो आपको देंगे। अगर वो आपको मिल जाती है तो वो आपको SMS और ईमेल के थ्रू बताएंगे। आपको उस अलॉटमेंट डेट जो आपको दिया है कि आपको कब तक रिपोर्ट करना है, तब तक आपको वहां जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वहां पे आप जाके रिपोर्ट कर देते हैं तो देन आप अपना कोर्स जो है वहां पे मेडिकल कॉलेज में आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और बाय चांस ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि अगर आप वहां जाकर नहीं अपने आप को रिपोर्ट करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपकी सीट जो है वो दे दी जाएगी नेक्स्ट कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपकी सीट फिर नेक्स्ट कैंडिडेट के पास में चली जाएगी। तो जो डेट दी जाए वहां पे आपको जाकर रिपोर्ट करना ही करना है। क्लियर आप लोगों को ये बात? अब देखो जैसे आप रिपोर्ट कर देंगे तो ये आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते और सेकेंड राउंड के लिए ऑटोमेटिकली आप जा सकते हैं। तो अब ये आपको पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो काउंसलिंग का आ चुका है। तो हम लोग देख लेते हैं कि काउंसलिंग जो है फर्स्ट राउंड की, आपको ये पता है कि ये तीन राउंड के अंदर काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और दूसरा जो है वो मोपअप राउंड। बट फर्स्ट एंड टू सेकेंड जो ये दो राउंड है यही केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल दो ही राउंड है। ये थर्ड राउंड जो है वो डिम्ड, हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस इसमें पार्ट लेती हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लो कि कब से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन। तो देखो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 19 जून से 20 जून तक, ठीक है, और शाम को 5 बजे तक। जो भी ये 5 बजे का ये टाइमिंग भी वो लिखा है, सर्वर टाइम के अकॉर्डिंग लिखा है कि 5 बजे तक, 24 जून को 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट जो है वो आप 25th तक भी कर सकते हो, 25th जून 2 बजे तक आप क्या कर सकते हो, उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो भी चॉइसेस है वो जो आपको फिल करनी है कॉलेजेस और उनको लॉक करना है कि आपको कौन सी कॉलेजेस चाहिए, तो उसके लिए भी टाइमिंग इन्होंने दिया है 25th जून को दिया है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। आप अपनी चॉइस जो है उनको फिल कर सकते हो और उनको लॉक कर सकते हो। जो भी सीट्स का अलॉटमेंट है वो 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट आपको 27 जून को मिल जाएगा। और रिपोर्टिंग टाइम जो है, अगर कोई भी फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होता है तो उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है वो है 28 जून to 3 जुलाई। ये ध्यान रखना, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमें टाइम ही नहीं पता होता है, हम वहां रिपोर्ट नहीं करते और हमारी सीट जो होती है वो नेक्स्ट आगे कैंडिडेट को चली जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको दिया गया है 3rd जून, तब तक आपको क्या करनी है, वहां पे जाके रिपोर्ट करना है। उसके बाद में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब ये सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है ये स्टार्ट होगी कब, 6 जुलाई से 8 जुलाई तक, अगेन वही 5 बजे तक जो है यहां पे ये अप्लाई कर सकोगे आप, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो आपकी। बाकी इसके अलावा आपको चॉइस करने के लिए, कॉलेज चॉइस करने के लिए आपको टाइम दिया है 9th जून, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का, जब आप अपनी कॉलेजेस चूज करके लॉक कर सकते हो। अलॉटमेंट जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 10th जुलाई to 11th जुलाई, और 12th जुलाई को आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपको वहां रिपोर्ट करना होगा 13 जुलाई to 22 जुलाई तक। ये आपको ध्यान रखना है डेट, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, उसके बाद में बाकी बची हुई सीट के लिए सेकेंड राउंड के अंदर काउंसलिंग होगी, और उसके बावजूद भी अगर कुछ सीट्स बच जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो उनकी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस को उनको वापस दे दी जाएगी। उसके बाद में उनके लिए काउंसलिंग जो है वो 85% की जब स्टेट वाइज काउंसलिंग होती है उसके साथ ही उन सीट को भी भरा जाएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद में जितनी भी वेकेंट सीट है वो वापस से चली जाएगी किसके पास में, स्टेट के पास में। फिर आ जाता है थर्ड राउंड, मोपअप राउंड जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर प्राइवेट, सेंट्रल और जो हम बोलते हैं कि डिम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट करती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 30th, ठीक है, अगस्त को करवाना है,
और उसकी भी डेट है, लास्ट डेट है 15 अगस्त तक आप करवा सकते हो. 16 अगस्त जो है वो आपको एक डेट और दी है जिसके अंदर आप चॉइस कर सकते हो, लॉक कर सकते हो अपने कॉलेजेस को कि आपको कौन से कॉलेज में पार्ट के लिए अप्लाई करना है. उसके बाद में आ जाती है कि इसका रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा 18 अगस्त तक, और 20 to 26 अगस्त तक आपको क्या करना है, जाकर अपने आप को वहां पर रिपोर्ट करना है. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये आपको वहां पर क्या कहते हैं 26 अगस्त तक आपको जाके वहां रिपोर्ट करना है. इसके बावजूद भी जो सीट्स बच जाती है वो वापस उन्हीं कॉलेजेस को पहुंचा दी जाएगी, प्राइवेट कॉलेजेस को, जिसको वो अपने मैनेजमेंट तौर पर खुद से ही क्या करते हैं, फिल करते हैं. ओपन वहां पे भी कंडीशन होती है कि वो कर सकते हैं ओपन ऑल ओवर इंडिया के लिए भी, और वो फिर उनके ऊपर है कि वो ओपन कर सकते हैं केवल अपने स्टेट के लिए भी. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल आप लोगों को मिल गया है. तो अब आपको स्टार्ट करना है आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो 19 जून से स्टार्ट हो रहा है. फर्स्ट राउंड के बाद में आएगा सेकंड राउंड, ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड आ जाएगा और सेकंड के बाद में बाकी बची सीट चली जाएंगी. तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इस सारे प्रोसेस को ध्यान से एक बार जरूर देखें, और सब जितने भी आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है उन सबको अपने पास लिख के रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल बना के रखें. ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू.